ओके ओके। ये होती है हॉस्टल लाइफ, देख लें भाई जान आप भी। इसके अंदर ये मेरा बेड है। So, here's 10 tomans. 10 toman. 20 tomans. 20 toman. And 28. You don't have enough cash, I can have this and I should pay you back, okay? Any color? अच्छा, अक्सर यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान पाकिस्तान फिलहाल मुझे जाके ब्रेकफास्ट करना है क्योंकि नाश्ता नहीं किया, और जो नाश्ते का टाइम है यहाँ पे वो तकरीबन 10 बजे तक होता है। और दूसरा, इसके अंदर हम ये आपको बताएंगे कि हमारा हॉस्टल का एक्सपीरियंस कैसा रहता है ईरान के अंदर। छोटा सा पार्क है, इसके अंदर ये झूले वगैरह और बच्चों के खेलने के लिए लगाया है वो सिस्टम। Pers police. You are police? Pers police. I don't know. No? No. मैंने यहाँ से अपनी करेंसी वो चेंज करवानी है, और दूसरा मैंने शूज लेने हैं, और तीसरा मुझे कुछ और थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी है, क्योंकि हॉस्टल के अंदर आपको सिवाय बिस्तर सिवाय कमरे के कुछ नहीं मिलता, तो ये सारी चीज़ें आपने खुद अपनी लेके आनी होती हैं। जबकि होटल के अंदर वहाँ पे आपको साबुन नहाने के लिए, इसके अलावा वहाँ पे पानी, इसके अलावा वहाँ पे आपको टॉवल वगैरह, यानी कि हर चीज़ मिलती है, लेकिन ये चीज़ें हॉस्टल के अंदर अवेलेबल नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें लेने के लिए मुझे मार्केट भी जाना पड़ेगा शायद, क्योंकि यहाँ पर दुकानें हैं लेकिन सभी बंद है। तो वहाँ पे जो लेडीज़ बैठी हुई थी रिसेप्शन के ऊपर, वो कह रही थी कि आपको असफान सेंटर जाना पड़ेगा, वहाँ पे शायद दुकानें वगैरह आज ओपन हों। हेलो, दिस इज रैगबर्ग हॉस्टल, वेलकम टू आवर हॉस्टल, दिस इज रिसेप्शन एंड वी आर रियली हैप्पी टू हैव रदन हियर एंड देयर इज एवरीथिंग हियर। इफ यू नीड एनी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, आई कैन आंसर। ये मोहतमा नाश्ता तैयार करेंगी और हम नाश्ता करके फिर जाएंगे बाज़ार के अंदर। तो मैंने इनको एक ऑमलेट बोला है और साथ में एक ब्रेड है। तो हमने ये ऑर्डर किया था, ये ऑमलेट आ गया है टमाटो का, थैंक यू, और साथ में ये ब्रेड है, पानी है, और ये सैलेड मंगवाया है क्योंकि यहाँ पे जो खाने वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते। तो नाश्ते के बाद आपको दोबारा मिलते हैं। नाश्ता जी हमने कर लिया है, अभी मेरे ख्याल से इसकी पेमेंट यहाँ पे देनी है रिसेप्शन पे। हाउ मच प्राइस फॉर व्हाट प्राइस फॉर द ब्रेकफास्ट? यस, इट्स 28 टोमन्स। यू नीड हेल्प विद द कैश, सो हियर्स 10 टोमन्स। 10 टोमन, 20 टोमन्स, 20 टोमन एंड 28। You don't have enough cash, I can have this and I should pay you back, okay? भाईजान दुकानें वगैरह यहाँ पे तकरीबन बंद है क्योंकि लोग अक्सर छुट्टियों पे गए हुए हैं, जैसे ईद के ऊपर हमारी मार्केटें वगैरह बंद होती हैं ना, सेम यही हालत यहाँ पे है। दुकानें खुली हैं लेकिन बहुत कम है। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपने जूते लेने के लिए और शैम्पू लेना है, क्योंकि हॉस्टल के अंदर ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती। ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं जब आप किसी होटल के अंदर स्टे करते हैं, लेकिन हॉस्टल के अंदर ये चीज़ें नहीं मिलती। आ जाओ चचू जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखें वो पकड़ पकड़ के दे रहे हैं यहाँ पे। सलाम सलाम, श्योर दीवारों पाकिस्तान पाकिस्तान माही पाकिस्तान है टूरिस्ट पाकिस्तान टूरिस्ट पाकिस्तान माही में खोड़ा नॉट फारसी नॉट फारसी उर्दू एंड इंग्लिश आलम खराब गुलाबी इंग्लिश है सही ये यहाँ पे मछलियाँ पकड़ रहे हैं ये। अरे माही 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 इज प्राइस 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 फिनिश 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 प्राइस 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 इन आज ये पेन ये पेन वन तो मान वन तो मान वन हंड्रेड वन 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 तो मान वन फिश वन फिश ये फिश वन हंड्रेड वन हंड्रेड वो हंस रहे हैं। और अभी ये अंकल जी ने यस
شبه هم به 20 تومن. نه 3 تا 20 تومن نمیشه، چه خدا سنگت میکنه بابا. یاگیجی شاپر کے اندر. اوه اوکی اوکی اوکی. اوکی اوکی. اوکی اوکی. ماہی فینش. ماہی فینش. یار کتنی پیاری لگ رہی ہے رنگ برنگ. تو ویسے ہاں ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے. اب جو میپ کے اوپر ریس اپنے ہوٹل کا وہ میں نے سیو کیا ہوا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ واپسی ہمیں وہ اپنا ہاسٹل ہی نہ ملے. تو اس طرف سے میں آ رہا ہوں اس سائڈ سے اور اس سائڈ پہ آگے ابھی جا رہا ہوں. اچھا یہاں پہ ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ یہاں پہ اکثر جو ہے نا لوگ سائیکل کے اوپر سوار ہو کے سفر کرتے ہیں. سلام. ہیلو. شاید ان کی تندرستی کا راز بھی یہی ہے. یہاں پہ مجھے میڈیکل سٹور اتنے زیادہ نظر نہیں آئے جتنے پاکستان کے اندر چھوٹے چھوٹے قصبوں اور دیہاتوں کے اندر ہوتے ہیں. شاید یہ لوگ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، ان کے کھانے اچھے ہوتے ہیں، ان کی ایکسرسائزز وغیرہ کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. مین چیز یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ خوش میں نے دیکھے ہیں، چاہے کوئی غریب ہے چاہے کوئی امیر ہے. نہیں دیکھیں یار. سلام سلام. ٹورسٹ ٹورسٹ فرام پاکستان. فرام پاکستان 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 پاکستان. او ہو ہو یار کتنی خوشبو آ رہی ہے جب اس کے اندر داخل ہوئے ہیں نا. اور یہ پھول دیکھیں آپ، ایران کے اندر یہ چیز آپ کو عام ملے گی. دیکھیں کتنے پیارے پھول ہیں. یہ صرف یہ گلاب ماشاء اللہ. یہ دیکھیں تین کلر کے یہاں پہ گلاب ہیں. اور یہ شہر کوئی یہ اٹس آرٹیفیشل آرٹیفیشل اوریجنل پتہ نہیں یار کیا کہی جا رہے ہو، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. یہ اوریجنل ہی ہیں تقریباً. یہ گندم ہے جی اگائی ہوئی. دیکھ لیں جی پھولوں کی دکان، یہ بھی آپ کو دکھا دی ہم نے. تھینک یو. تشکر تشکر. یہ باہر بھی دیکھیں رکھے ہوئے ہیں پھول. اچھے لوگ ہیں یار ایران کے، اچھا ایکسپیرینس جا رہے ہیں. باقی آج ہم یہی دیکھیں گے کہ ہاسٹل کی لائف کیسی ہوتی ہے ایران کے اندر. تو یہاں پہ آپ کو ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں ان کے ہاسٹل کے اندر جو آئے ہوئے ہوتے ہیں. آپ ان کے ساتھ گپ شپ کریں، اپنے خیالات ان کے ساتھ شیئر کریں، ان کی بھی سنیں. ہم آئے ہیں جی یہاں پہ گارمنٹس کی شاپ پہ، تو اپنے لیے کچھ گرم لیتے ہیں کیونکہ میرے پاس ایک ہی گرم ہے، باقی سارے ٹی شرٹس ہیں. کیونکہ ایران کا موسم جو ہے وہ سنا تھا کہ گرم ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ آ کے کچھ الگ ہی ہو گیا. یہ دیکھ لیں جی ہز پرائز. اوکے اوکے. یہاں پہ زیادہ تر جو ہے نا وہ لیڈیز کے ہی ہیں، لیکن میں نے کہا دیکھ لیتے ہیں شاید ہمیں بھی کوئی اچھا سا مل جائے. اور یہ آپ کا بھائی، جلدی سے جائیں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور انسٹاگرام پہ آپ نے فالو لازمی کرنا ہے. ہز پرائز، لیکن یہ کلر مجھے اچھا نہیں لگا. باقی تو قیمت کا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن کلر اگر اور مل جائے تو وہ بیسٹ ہے. اینی کلر کلر اینی کلر. اچھا اکثر یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو پاکستان 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 از ویری بیوٹیفل. اچھا یار اس کو ابھی ہم کرتے ہیں اسکپ، کلر اور نہیں ہے ان کے پاس. یہ کلر مجھے تو بالکل اچھا ہی نہیں لگتا. ہاں دکان کے اوپر صرف دو کلر پڑے تھے، ایک بلیک تھا اور ایک جو آپ کو دکھایا وہ تھا، لیکن وہ کلر ہمیں پسند نہیں ہے. تو فی الحال یہاں سے کچھ شوز کی دکان دیکھتے ہیں. شوز بھی لینے ہیں اور یہ کی موٹی ٹائی بھی لینی ہے، کیونکہ ان کے بغیر یہاں پہ گزارا نہیں ہے. ابھی دھوپ نکلی ہوئی، ابھی موسم ٹھیک ہے، اتنی سردی نہیں ہے، لیکن شام کے ٹائم سردی ہو جاتی ہے.
काफी ऊंचा बनाया गया है ये। आप देख लें जी ऊपर से नज़ारा ईरान की सड़कों का ये इस साइड से। यहाँ पे एक चीज़ है कि ईरान के अंदर आपको फूल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे सड़कों की साइडों पे। आप ये यहाँ पे ये सारे फूल हैं इधर, बाकी ग्रीनरी यहाँ पे आपको रोडों के साइड पे ज़रूर मिलेगी। और ये सामने का व्यू, कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होती है ना, ये दीवारें देखें, दीवारों के सेंटर के अंदर इन्होंने कोई चीज़ रखी हुई है। अब मुझे नहीं पता ये पैप नुमा कोई चीज़ है इसके अंदर ये क्या करते हैं। मेरे ख्याल से अब सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं ना, तो इनके अंदर शायद कोई गर्म हवा का कोई सिस्टम होता होगा, इसलिए इनके कमरे जो होते हैं ना वो गर्म होते हैं, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती वहाँ पर। ये जो पार्टीशनें की गई हैं ना, और उनको साइडों में मट्टी वगैरह भी लगाई गई इस तरह की, मेरे ख्याल से इनके अंदर गर्म हवा वगैरह ही छोड़ते होंगे। और ये इस तरफ का व्यू है, डव डव ये वाला डव, क्योंकि मैं आलरेडी डव ही यूज़ करता हूँ। स्मॉल स्मॉल वाइट 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 देख ले यार यहाँ पे। ये अंदर से व्यू देख ले ज़रा आप, हो मच तुमान 40,000 तुमान। ओके ये है जी 40,000 तुमान का। ओके तशक्कर। तो यहाँ से हम पहले भी गुजरे थे, लेकिन यहाँ पे एक दुकान थी, मैंने कहा पहले आगे देख के आते हैं। ये शूज़ की दुकान है, तो यहाँ से चेक करते हैं। ये भी इसके एक ही ओनर हैं, ये बाबा जी जो हैं ये वाले, ये है जी इनकी यहाँ पे सॉक्स वगैरह रखी गई हैं, और शूज़ जो हैं वो दूसरी साइड पे हैं। तो हम यहाँ से कुछ शूज़ पसंद करते हैं, कौन सा यहाँ से लिया जाए, बस दरमियाने हैं इतने अच्छे नहीं हैं। और बाकी ये डव शैम्पू मैंने ले लिया है, ये पड़ा है जी 40,000 तुमन का, और पाकिस्तानी बनते हैं तकरीबन 300 के अराउंड अबाउट। कौन सा लिया जाए शूज़ देखते हैं जी। जूते के उसने बाबा जी ने मांग लिए 70,000 तुमन, जो पाकिस्तानी बनते हैं तकरीबन कोई 500 के अराउंड अबाउट, लेकिन मेरे पास थे तो सही, लेकिन मैंने अभी जाना है एक्सचेंज करवाने के लिए, तो मैंने कहा कि वापसी भी ले लेंगे शूज़। तो अभी जाते हैं दोबारा उधर हॉस्टल के अंदर, तो वहाँ पे जाके हम क्या करते हैं टैक्सी करवा के पहले रकम चेंज करवाते हैं, उसके बाद शूज़ लेते हैं। रकम है लेकिन ये थोड़ी है, इतने के अंदर हमें टैक्सी वाले को भी तो देने हैं ना। अब ये मोहतमा उन्हें समझा रही हैं कि आपने क्या क्या करना है, और कि इसने रकम चेंज करवा के आपने इसको वापसी होटल के अंदर ला के छोड़ना भी है। ओके ओके देख लें भाई जान, अंडरग्राउंड सड़कें इनकी, और इधर धूप आ रही है साइड में।
करेंसी हमने चेंज करवा ली है, ये है जी 5 लाख रियाल ईरान का। अगर हम इसको तोमन में पढ़ते हैं तो ये 50,000 तोमान बनते हैं। और इसने जो हमें रेट दिया है वो ये 1 यूरो 26,000 यानी कि तोमान का, जबकि नेट के ऊपर रेट चल रहा था 28,800 तोमान। तो ये अपना कमीशन भी तो रखते हैं, चले खैर है, 2,000 तोमान का चूना ये तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है, क्योंकि तो जब पाकिस्तान के अंदर रकम कन्वर्ट करवाते हैं तो वहाँ पे भी ये अपना कमीशन वगैरह रखते हैं। तो फिलहाल हम जा रहे हैं होटल वाली साइड पे, यहाँ पे देखिए। बाकी आप अगर ईरान आ रहे हैं तो ईरान के अंदर आप पाकिस्तान रुपये भी कन्वर्ट होते हैं, इसके अलावा आप डॉलर भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, इसके अलावा अगर आपके पास यूरो है तो यूरो से भी आप तोमन के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगर आप अच्छा रेट लेना चाहते हैं तो फिर आप पाकिस्तान से चेंज करवा लें, पाकिस्तानी करेंसी को तोमन के अंदर करवा लें, या डॉलर है तो फिर भी हो जाएगी, वहाँ से आपको रेट अच्छा मिल जाएगा, यानी कि बॉर्डर से पाकिस्तान वाली साइड से करवा लें, वहाँ से रेट आपको अच्छा मिलेगा। क्योंकि वहाँ से मुझे 140 रुपये मिले थे पाकिस्तानी 1 रुपये के, और यहाँ से मुझे मिले हैं, मैंने पहले जी 1-2 बार चेंज करवाई थी चार बार वाली साइड से, तो वहाँ पे मुझे 130-135 मिले हैं, जबकि पाकिस्तान से मुझे मिले थे 140। ये देखें जी नए साल की खुशी के अंदर ये चीज़ हर घर के अंदर आपको नज़र आएगी, ये पानी के अंदर मछलियाँ, ये घास ग्रीनरी, और ये एप्पल वगैरह, ये हर चीज़। ये जो पानी की 2 बोतल्स हैं ये हमें मिली हैं 10,000 तोमन की, जो पाकिस्तानी तकरीबन बनते हैं जी 75 रुपये पाकिस्तानी। तो हम आ रहे थे इस साइड से, तो ये मुझे एक यहाँ पे सब्जी की शॉप मिल गई है, मैंने कहा कि इनसे जो इनकी प्राइसेस वगैरह वो पूछते हैं। ये बंद गोभी और ये गाजर है देख लें यार, और ये शिमला मिर्ची हैं, जबकि हमारे वहाँ पे शिमला मिर्ची वो और कलर की होती है ग्रीन, यहाँ पे देख लें ये 2 कलर की है, इस तरह की हमारे पाकिस्तान में होती है। और ये बैंगन है, ये वाटरमेलन, ये टमाटर, और ये छोटे छोटे टमाटर हैं, और वो बंद गोभी और कलर के अंदर है जामनी कलर। ये सेब है, अच्छा ये चीज़ जो है ना ये मुझे अक्सर जगह के ऊपर नज़र आई है, यानी कि टोकरी के अंदर इस तरीके से इन्होंने कुछ ना कुछ अपने घरों के अंदर दुकानों के अंदर खूबसूरती के लिए ये चीज़ लगाया हुआ आता है। व्हाट इज दिस? थ्रोप से वेजिटेबल, वेजिटेबल ये जी थ्रोप से, ये देखें यार ये देखने से बहुत खूबसूरत लगती है जामनी गोभी, और नीचे ये सफ़ेद प्याज है, ये क्या चीज़ है भाई, वाह हो, ये वो चीज़ है जब बारिश होती है ना तो हमारे उधर जो ज़मीनें वगैरह होती हैं उनके अंदर ये उगती है, इसे कहते हैं मकादन मशरूम कहते हैं, ये मशरूम हीज मशरूम हीज प्राइस भाई प्राइस हो मच प्राइस हो मच प्राइस मैं भाई से पूछ रहा हूँ प्राइस, वो कहते हैं प्राइस है। अच्छा यार यहाँ पे रेट नहीं लगाए हुए, उनको इंग्लिश की समझ नहीं आ रही है, हम इसको कहते थे खुम्बी, खुम्बी है ये। What is? नारंगी पाकिस्तान, ये जी पाकिस्तान से आया हुआ फल। हिज प्राइस प्राइस कितनी है इसकी भाई को समझ नहीं आ रही वो मेरी बातों से हंस रहे हैं। फिलहाल हम जा रहे हैं जी अपने रूम के अंदर, हॉस्टल के अंदर, ये देख लें जी यहाँ पे जो तारीखी जगह हैं उनके यहाँ पे ये पिक्चर्स लगाई गई हैं। ये हमारा रूम है जी, ये होती है हॉस्टल लाइफ, देख लें भाई जान आप भी, इसके अंदर ये मेरा बेड है, ये एक नीचे होता है हॉस्टल के अंदर, जबकि होटल के अंदर ये चीज़ नहीं होती।
और ये भाई अफगानिस्तान से हैं। सलाम। सलाम। योर गुड नेम प्लीज। आई एम समीम कोस्तानी। अफगानिस्तान काबुल। काबुल। एंड हॉस्टल लाइफ योर हॉस्टल लाइफ इज गुड। या इट्स वेरी गुड। ओके ओके। आई एम हसन। हसन फ्रॉम ईरान। मुगान सिटी। मुगान सिटी। ये मुगन सिटी से हैं और एक भाई हमारे ऊपर बैठे हैं। ये भाई जान जो हैं ये माउंटेनर भी हैं, इनके टूरिस्ट भी हैं। तो हमारा बहुत अच्छा टाइम इनके साथ गुजर रहा है, तो हो सकता है कल हम इंशाल्लाह इकट्ठे किसी जगह के ऊपर जाएं। योर गुड नेम। माय नेम इज अली फ्रॉम अवा सिटी इन ईरान। आई एम हियर फॉर ट्रैवल हॉलीडेज एंड It's pleasure to meet my friend from Pakistan. Good, good. और एक हमारे दोस्त ये लेटे हुए हैं। Hello. सलाम। Hello. I'm Reza Dolatpana. I'm from Azerbaijan region of Iran. From Mughan city. Azerbaijan. Azerbaijan region of Iran. Northwest. Turkish people. Turkish people. Yeah. Northwest of Iran. North okay. of Iran. North of Iran. Yes. ये है जी hostel life. ये देख लें ऐसे रहते हैं। और ये जो हमें बेड मिला है ये एक रात का, हमने इन्हें 1.5 लाख तुमान दिया है जो कि पाकिस्तानी 1100 रुपये का अराउंड अबाउट बनता है। और बाकी ये बाहर से आपको लोबी भी दिखाते हैं। ये इधर आप अपने जो कपड़े वगैरह होते हैं वो धो के यहाँ पे खुशक कर सकते हैं, और यहाँ इन चेयर्स के ऊपर आप बैठ के बाहर का व्यू भी कर सकते हैं। और शाम हो गई है, सूरज वो कहाँ पर चला गया है। हॉस्टल लाइफ और होटल लाइफ के अंदर क्या डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि जो हॉस्टल होता है वो आपको सस्ते में मिल जाता है, जबकि जो होटल होता है वो थोड़ा महंगा मिलता है। सबसे जो कॉमन बात वो ये है। और दूसरा ये होता है कि हॉस्टल के अंदर आपको अच्छे लड़के मिलते हैं, अच्छे दोस्त मिलते हैं, आप जिनके साथ अपना जो है ना गपशप लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अक्सर जो होते हैं वो टूरिस्ट आए हुए होते हैं, जब होटल के अंदर ये चीज़ बहुत आपको कम मिलती है, वहाँ पर अक्सर फैमिलीज़ होती हैं। और तीसरा डिफरेंस, होटल के अंदर आपको ब्रेकफास्ट मिलता है, जबकि हॉस्टल के अंदर ब्रेकफास्ट अगर वो देते हैं तो वो आपसे पैसे लेते हैं, और होटल के अंदर आपके लिए ब्रेकफास्ट बिल्कुल फ्री होता है। और जो चौथी बात वो ये है कि होटल के अंदर आपके लिए शूज़, आपके लिए शैम्पू, टॉवल, हर चीज़ आपको मिलेगी, शूज़ तक वहाँ पर होंगे। लेकिन हॉस्टल के अंदर ना आपको यहाँ पे जूते होंगे आपके लिए, ना आपके लिए जनाबे लिए यहाँ पे टावल तो खैर होता है, बाकी साबुन शैम्पू वगैरह कोई चीज़ नहीं होती। और होटल्स के अंदर आपको सेपरेट कमरा दिया जाता है, यहाँ पे सिर्फ आपका ही बेड होगा और कोई इस कमरे के अंदर नहीं आएगा, जबकि हॉस्टल के अंदर आपके रूम के अंदर 4 बंदे भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये ही 4, 5, 6 तक ही होते हैं एक कमरे के अंदर। बस ये चीज़ होती है। बाकी हॉस्टल के अंदर कुछ लोग पूछते हैं कि हॉस्टल सिक्योर होता है सेफ्टी के लिए? जी भाई जान, वो बिल्कुल सिक्योर होता है, आपको उन्होंने सेफ्टी लॉक दिए होते हैं जहाँ पे आप अपना कीमती सामान रख के उसको लॉक कर सकते हैं, तो इसका भी कोई इतना इशू नहीं होता। और मेन चीज़ ये होती है कि आप वहाँ लोगों से मिलते हैं हॉस्टल के अंदर, ना ही से ना ही आपके दोस्त बनते हैं, बस यही चीज़ मेन होती है। बाकी मेन चीज़ ये भी है कि आपको कम बजट के अंदर आप जो है ना ट्रैवल कर सकते हैं इंटरनेशनल तौर पे। बाकी मेरे यही ओपिनियन है, मेरे यही ख्याल आते हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे वो शेयर करती हैं। सुबह से उठे हैं, फर्स्ट हमने मार्केट के अंदर गए हैं, मार्केट खाई आपको, बाकी हमने जूता लेना था तो जूते वाली दुकान तकरीबन बंद थी। जब वापसी आए जो पहली दुकान हम देख के गए थे वो बंद हो चुकी थी, क्योंकि इनका यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, तो वापसी बस शाम हो गई है और कुछ देर के बाद हमने शाम का खाना खाना है। बस आज सारा दिन इसी तरीके से ही गुजर गया। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो फिर यार वीडियो को लाइक करना तो बनता है। और दूसरी बात, आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, इंस्टाग्राम पे मुझे लाजमी से फॉलो करें, हो सकता है ये वीडियो जो है एक माह के बाद आई, जो भी अपडेट होती है, जो भी नई से नई अपडेट होती है सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम पर ही डालता हूँ। तो बस इसी के साथ दीजिए आपने भाई मोहम्मद अदनान को इजाज़त, मिलेगी इंशाल्लाह एक नए सफ़र, एक नए ट्रैवल के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।